अब ये आम के अचार को मैंने बॉटल में भर लिया है। लसूदा के अचार में डालने के लिए ये मैंने रेडीमेड मसाला लिया है, और ये रेडीमेड मसाले के अंदर मेथी दाना, सरसों के दाने, हींग, मिर्च पाउडर, नमक और तेल होता है। और अगर आपके पास इस तरह से तैयार मसाला नहीं है तो आप सरसों के दाने, मेथी दाने, सौंफ, कलौंजी, ये सब भी भून के दरदरा कूट लें, और उसके अंदर मिर्च पाउडर और नमक हींग डाल के मसाला घर पे तैयार कर सकते हैं। और अब बस अपना ये तेल हो गया है गरम, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये डाल देंगे अपने हींग। ये हींग डालेंगे लगभग अचार लगभग 3 किलो के करीब है, तो मैंने एक 2 टीस्पून के करीब मैंने हींग डाली है। और ये सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया था और उसको थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और अब बस इसी के अंदर ये अपना अचार का मसाला गया। और ये अचार के मसाले के अंदर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतना ही डालें, इसके अंदर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं कहीं, क्योंकि कहीं कहीं अचार ज़्यादा मसाला ज़्यादा खाया जाता है कहीं कहीं अचार, तो मैं तो ये इसमें ये पूरा 1 किलो मसाला डालूंगी। और इसको अभी अब चलाते हैं। ये अब अचार बनाने के लिए ये मैंने एक साफ़ सुथरा तपेला लिया है, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब अपने इसमें डालेंगे ये सरसों का तेल, लगभग 1 किलो के करीब डालूंगी, क्योंकि 2 किलो गुंदा और 1 किलो आम है। तो बस ये अपना गया सरसों का तेल, और इसको थोड़ा स्मोकी पॉइंट तक गर्म होने देते हैं। और अचार हमेशा जहाँ तक हो सके सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है, और दूसरे तेलों में बनाने से अचार 6-8 महीने में ही ख़राब हो जाता है। और ये अचार आप 1-1.5-2 साल तक भी खाए तो भी ख़राब नहीं होता। अब इसको स्मोकी पॉइंट तक आने देते हैं। अब अपने इसमें नमक भी इसी समय डाल देंगे, ताकि जो नमक के अंदर का मॉइस्चर है, ये तेल गर्म है अभी तो थोड़ा इसी के अंदर सूख जाए, तो नमक तो इसके अचार है तो थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, और बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कर सकते हैं। बस अभी ये मसाले को एकदम थोड़ा अच्छे से ठंडा होने देंगे, और बाद में इसमें सबसे पहले तो लहसुन मिलाएंगे, क्योंकि लहसुन उबाल के रखे हैं, आम को अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो लहसुन ख़राब हो सकते हैं, इसलिए पहले मिलाना ज़रूरी है। तो इसको मसाले को होने देते हैं ठंडा। आज बनाएंगे गुंदा या लसूदा, या कहीं कहीं लसोड़े भी बोलते हैं, तो ये इस तरह से होता है, ये सिर्फ गर्मी में ही आता है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा फ्रेश मंडी से आया है, तो ये अभी पैकिंग में ही है। 2 किलो गुंदा है, और साथ में मैं इसमें देसी आम डालूंगी। देसी आम ज़्यादा खट्टा होता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो बस इसको तो सबसे पहले धो के और गुंदा को उबालने रख देंगे, और इसको छील के और इसको कद्दूकस कर लेंगे। अब अपने गुंदा या लसूदा को मैंने अच्छे से 3-4 पानी में वॉश करके इस तरह से तपेले में ले लिया है, और इसके अंदर मैंने पानी देखिए काफ़ी ज़्यादा भरा है। और इसको अभी अपने उबलने देंगे, लगभग 60% कुक करेंगे, और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको अपने पहले ढक के होने देंगे। अभी अपने लसूदे उबालते हुए 10 मिनट हो गया है, और ये देखिए अपना ये जैसा चाहिए वैसा हो गया है कुक। इसको बहुत ओवर कुक नहीं करना, ये देखिए अपने प्रेस करके देख लेते हैं, ये काफ़ी चिकना भी होता है, इसलिए ये देखिए बहुत बढ़िया सा हो गया है। और बस पानी को इसी टाइम छान लेंगे ताकि ये ओवर कुक होने से बच जाए। हमने पानी में से पूरा बाहर निकाल लिया है, और इसको अच्छे से ठंडे होने देते हैं और कपड़े पे फैला देते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पे। ये अब अपने लहसुदे बॉईल होने के बाद, थोड़े ठंडे होने के बाद, इस तरह से मैंने अभी साफ़ कपड़े पे घर के अंदर ही पंखे के नीचे 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दे, ताकि इसके ऊपर का सारा पानी सूख जाए, और ये थोड़ा सूख जाए उसके बाद ही इसके ऊपर का ये कैप हटाएंगे ताकि इसके अंदर पानी ना भरे। लसूदे का अचार बनाने के लिए मैंने पहले लसूदे को अच्छी तरह से धो के पानी में बॉईल 60% कर लिया था, और उसके बाद पानी तुरंत ही पास करके और इसको थोड़ा ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद इस तरह से इसको
घर के अंदर पंखे के नीचे 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया है, और इसके सूखने के बाद ही इसके ऊपर की ये जो कैप है वो हटाएंगे ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। अब अपना ये गुंदा या लसूदा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, और अब जो इसके पीछे कैप लगी थी इसको अपने हटाते जाएंगे। इस तरह से सारी कैप को हटा के और एक बर्तन में ले लेते हैं और फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। अब अपना ये गुंदा या लसुंदा लसोड़े जो भी है तो इसको बॉईल करके इस तरह से सुखा लिया, इसकी कैप भी निकाल ली है और ये इसका सारा पानी सूख गया है। और क्योंकि ये सिर्फ वेजिटेबल ही है, इसके अंदर अपना कोई प्रिजर्वेटिव जैसा कुछ होता नहीं है कि ताकि ये जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये मैंने इसका मसाला जो अचार का रेडी करके रखा है उसमें अपने ये लसोड़े डाल देते हैं। और अगर आपको ये लसोड़े के अचार के अंदर आम नहीं डालना है तो ये इस तरह से ये एप्पल साइडर आता है, एप्पल का विनेगर मैं इस तरह से भी बनाती रहती हूँ, या कोई भी दूसरा सिरका भी आप डाल के प्रिजर्वेटिव के लिए, बस ज़्यादा नहीं डाला है, 2 किलो है तो इसके अंदर लगभग 50 ग्राम के करीब डाल दें। तो ये मैं तो हमेशा एप्पल विनेगर इस्तेमाल करती हूँ, पर अभी मैं आपकी बार में ये आम डाल के बनाऊँगी तो अभी मैं ये नहीं बनाने वाली। और अब अपने ये लसोड़े को ये अचार के अंदर डालते रहेंगे, और इसमें से थोड़ा मसाला मैंने निकाल लिया है क्योंकि इसमें अपने आम मिक्स करेंगे, और आम को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही, क्योंकि साथ साथ में मिक्स करेंगे तो ये उबले हुए लसोड़े टूट सकते हैं, इसलिए तो अभी अपने इसमें सारा डाल के रख देते हैं। अब ये मैंने सारा गुंदा ये तैयार किया हुआ अचार का मसाला था उसके अंदर डाल दिया, और इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और अभी इसको ये तपेले में ही रहने देंगे क्योंकि अभी इसमें अपने को आम भी मिक्स करना है, तो वो आम के ऊपर प्रोसेस हो जाए उसके बाद मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके ढक के रख देते हैं। अब अपना ये लसूदा अचार के साथ अचार के मसाले के साथ मिक्स होकर बढ़िया सा रेडी हो गया है। गुंदा या लसूदा के अचार में डालने के लिए मैंने ये आम को छील के, देसी आम को छील के इस तरह से थोड़ा सा, थोड़े 1 किलो आम थे तो थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, थोड़े से इस तरह से टुकड़े हैं ये, और एक आम का मैंने इस तरह से टुकड़ा भी काटा है, तो इसी तरह सारी तरह की स्लाइस और ये डालेंगे। और अब इसके अंदर अपने पहले डाल देते हैं नमक, ये नमक जाएगा, और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये बस इस तरह से डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा इसके अंदर पानी जो है वो छूट के इसके अंदर नमक और हल्दी वाला पानी भी मिक्स हो जाए, और इसका अंदर जो पानी छूटना है वो पानी छूट जाए, फिर इसको अपने दबा के इसके अंदर का पानी निचोड़ के इसको साफ़ सुथरे कपड़े पे सुखा देंगे। ये आम की जो ये श्रेडेड किया हुआ पीस है तो ये मैंने पीसीस ज़्यादा लिए हैं इसलिए मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी। और अगर आप लसूदे के अचार में आप चाहें तो सिर्फ ये पीस डाल के बना सकते हैं, सिर्फ चाहें तो ये, पर मैंने दोनों मिक्स किया है। और ये पीस को तो आपको 24 घंटे नमक और हल्दी वाले पानी में रखना होता है तो सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो इतना सॉफ्ट नहीं हो पाता। पर ये श्रेडेड की हुई इसकी छीण है तो इसको तो अपने 2 घंटे बाद, 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ के कपड़े पे, साफ़ सुथरे कपड़े पे सुखा लेंगे। ये लसूदे के अचार में डालने के लिए जो अपने आम श्रेड किया हुआ था और आम के पीसीस थे तो इसको अभी 10-12 घंटे के लिए रख देंगे, थोड़ा इसी में ही नमक हल्दी डाल के, तो थोड़ा और गल जाए, और इसको बाद में फिर निचोड़ के घर के अंदर ही साफ कपड़े पे सुखा देंगे। अब अपने आम का जो ये छीण अपने नमक हल्दी में करके रखा था इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए रख दिया था, और अब इसमें से इस तरह से देखिए सारा पानी इसका अच्छे से निचोड़ लेंगे, और इसको फिर अपने साफ़ सुथरे कपड़े पे पंखे के नीचे ही सूखने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे
पानी निचोड़ लिया है, और जो इसके अंदर मैंने पीस डाले थे उसको भी अच्छे से 5-6 घंटे सूखने देंगे। ये कच्ची कैरी की छीड़ और पीस को अपने अच्छे से निचोड़ के नमक हल्दी वाली पानी से बाहर निकाल के और इस तरह से साफ़ सुथरे कपड़े पे सुखाने के लिए रख देंगे। इसको घर के अंदर ही 4-5 घंटे अच्छे से फैन के नीचे सूखना है, सूखने देना है। इसमें देखिए पानी है, ज़रा सा भी पानी रहना नहीं चाहिए। तो बस इस तरह से इसको सुखा लेंगे और फिर इसको मसाले में मिक्स करते हैं। आम के छिलके के अंदर से जो अपने नमक हल्दी वाला पानी निकला था, ये पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको छोले या काले चने का अचार बनाना या चना दाल का, तो इसके अंदर भिगो दें और फिर उसको भी इसी तरह से कपड़े पे सुखा के अचार के आगे की प्रोसेस के हिसाब से बना सकते हैं। ये अब अपने आम का जो ये टुकड़े थे वो भी सूख गए हैं और ये इसके जो श्रेडेड किए हुए लच्छे थे उसमें से भी सब मॉइस्चर लगभग निकल गया है, ऊपर का पानी निकल गया है, अंदर का मॉइस्चर तो बना है। और अब इसको अपने ये मसाले में डालेंगे। अब अपने ये आम के पीस और आम के लच्छे ये अपने तैयार किए हुए मसाले में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर इसको अपने बॉटल में भरेंगे और बॉटल में भरने के बाद बॉटल में दबा दबा के भरेंगे और इसके बाद इसके ऊपर तेल भर देंगे ऊपर तक, ताकि अपना ये अचार साल भर ख़राब नहीं हो। तो ये इस तरह से ये बन गया अपना बढ़िया सा मैंगो पिकल और ये 15 दिन में खाने लायक हो जाएगा। और इसको इस तरह से कांच की साफ़ सुथरी एकदम सूखी जार में भरे, मैंने इसको अच्छे से मान धो के धूप में लगा सुखा दिया था, पोंछ लिया अच्छे से। और जहाँ तक हो सके अचार को हमेशा कांच की बरनी या सिरेमिक के जो बरनी आती है उसमें भरना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है बजाय प्लास्टिक के। तो ये अपना मैंगो पिकल रेडी है, रेडी अभी बॉटल में भरने के लिए रेडी है। अब अपने ये लसूदा का अचार, इसमें मैंने मसाला लसूदा में तो पहले ही कर दिया था, नहीं तो लसूदे ख़राब हो सकते हैं, बॉईल करके रखे थे इसलिए। और ये उसके अंदर डालने के लिए जो आम के पीसीस और लच्छे तैयार किए थे उसमें भी मैंने अलग से मसाला ऐसे अच्छे से मिक्स किया है, क्योंकि लसूदे के अंदर साथ साथ मिक्स करने से ये लसूदे टूट सकते हैं। तो बस अब अपना ये जो अचार है ये जाएगा, आम का अचार इसमें डालने के लिए जो रखा है ये जाएगा लसूदे के अंदर। और अब अपने इसको अच्छे से कर देंगे पहले मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको कांच की बढ़िया सी बॉटल में भरेंगे। ये लसूदा और आम के अचार को अपने बहुत जेंटली मिक्स करेंगे और ये लसूदे के अंदर जब ये आम का खट्टापन अच्छे से मर्ज होगा तो अपने लसूदे में भी बढ़िया सा टेस्ट आएगा और लसूदे का जो चिकनाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बस अपने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको ये कांच की मैंने साफ़ सुथरी बॉटल ले ली है, इसको अच्छे से मांझ धो के धूप में पोंछ के धूप में सुखा दिया था और इस तरह से बढ़िया सी बॉटल ले ली है। और जहाँ तक हो सके अचार को हमेशा कांच या सिरेमिक की बॉटल में ही रखने का प्रयत्न करें, हेल्थ पर्पज से भी अच्छा रहता है। ये अपना लसूदा और आम का मिक्स अचार बढ़िया सा रेडी हो गया है। अब इसको सबसे पहले बॉटल में भर देंगे कांच की साफ़ सुथरी, और इसके बाद ये 15 दिन बाद खाने लायक हो जाएगा। तो इसको अभी बॉटलिंग करते हैं। अब ये अपने अचार को बॉटल में डालेंगे, बढ़िया सी एकदम साफ़ सुथरी सूखी बॉटल होनी चाहिए। और इसको ये मैं अचार इसके अंदर सारा धीरे धीरे करके डाल दे रही हूँ।
ये बनाया है आम और लसूदे का मिक्स अचार। इसके लिए मैंने लसूदा और आम बाज़ार से लाके अच्छे से धो के और पहले ये लसूदे को उबाल दिया है 60% तक, और आम को धो के छील के कुछ टुकड़े में काट लिया है और कुछ को श्रेड कर दिया है। और ये आम के टुकड़े और उसमें श्रेड में अपने नमक और हल्दी डाल के मिक्स करके रख दिया है, और 4-5 घंटे के बाद उसमें से पानी निचोड़ के कपड़े पे सुखा लिया था। और उसके बाद मैंने ये अचार का मसाला बनाया, और अचार का मसाला में मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर हींग डाली है और रेडीमेड अचार का मसाला डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, और बाद में ये जो लसूदे अपने उबल के ठंडे हो गए थे उसको भी अच्छे से उसका कपड़े पे 4-5 घंटे पंखे के नीचे सुखा दिया, और उसकी पीछे की कैप निकाल के और इस तरह से बाद में ये लसूदा और आम मिक्स करके मसाले में डाल दिया है। और ये अच्छा सा अपना मसाला अचार बन के रेडी है, रेडी टू ईट। ये अचार को मैंने कांच की बोतल में भर लिया है, और अब अपने इसके ऊपर पूरा डूबा डूब तेल डाल देंगे। तो इसके लिए भी वापस तेल गरम करके टोटल ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही डालेंगे। तो ये मेरा बना है आम और लसूदे का अचार। अब अपने ये लसूदे के अचार के अंदर ये मैंने जो तेल गरम किया था और गरम करने के बाद एकदम ठंडा हो गया है, उसके बाद ही अपने ये अचार में डालेंगे, और इसको बरनी को तेल से पूरा भर देंगे डबा डब, ताकि अचार ख़राब ना हो। तो ये बन के रेडी हो गया है अपना बढ़िया सा लसूदे का, लसूदा और आम का चटपटा अचार। ये देखिए अभी ये 15 दिन बाद एकदम खाने लायक हो जाएगा, और इसके अंदर जो आम की खटास है वो लसूदे के जो चिकनापन है उसको दूर करेगा बस। और ये अपने साइड पे जो ये लगा है इसको अच्छे से टिश्यू पेपर या साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, और उसके बाद इसको एयर टाइट ढक्कन, ये देखिए इस तरह से ढक के रख देंगे। ये अब अपनी अचार की बरनी पे ये जो साइड में लगा है इसको अच्छे से टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ कर लें, ताकि यहाँ तेल नहीं रहता तो ये सूख के ख़राब ना हो। और जब ये अचार बन जाए तो खाने के लिए हमेशा दूसरी छोटी बोतल में रेगुलर यूज़ के लिए निकाल लें, और इसमें साफ़ सुथरा और सूखा चम्मच ही डालें। तो इस तरह से ये अपना लसूदे का अचार 2 साल तक ख़राब नहीं होता है। मेरा लसूदे का अचार मैं रेगुलर बेस पे बनाती रहती हूँ। तो बस इसी तरह से आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं, और जिसका अचार बढ़िया सा बन गया उसका साल भी बढ़िया बन गया। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका साल बहुत बढ़िया बन जाएगा। बस एंजॉय करें। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।